तमिलनाडु के कई हिस्सों में साइक्लोन के प्रभाव के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आईएमडी के मुताबिक साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मंडूस के प्रभाव के रहते तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई के डीडीजीएम ने जानकारी दी कि साइक्लोन तट को पार कर गया है, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कमजोर हो रही है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो शाम तक घटकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगी। मंडूस के प्रभाव के कारण चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण चेन्नई के पटनपक्कम इलाके में वाटर लॉगिंग देखा गया। भारी बारिश के कारण अरुणबक्कम की MMDA कॉलोनी में सड़कों पर भी वाटर लॉगिंग देखा गया। आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बंगाल की खाड़ी में तूफान के मद्देनजर विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के प्रिडिक्शंस भी किए गए हैं। मीनवाइल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा के अलावा उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस पर बहाल करने के लिए शुक्रवार को तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन की शुरुआत की। TN क्लाइमेट समिट 2022 में मिशन लॉन्च करने के बाद स्टालिन ने एक ट्वीट में कहा, द्रविडियन मॉडल को न केवल सामाजिक न्याय में बल्कि इकोलॉजिकल जस्टिस में भी मार्गदर्शन करने दे। 2021-22 के बजट के दौरान राज्य सरकार ने क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए बजट आउटले किया था। तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने की घोषणा भी की थी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम देश दुनिया की सभी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता और अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।